नमस्कार। हमने प्रत्याशाओं एवं प्रत्याशित मानों को एक यादृच्छिक चर के संदर्भ में देखा है। हमने दो यादृच्छिक चरों के संदर्भ में उनके संयुक्त प्रत्याशा को भी देखा है, किंतु ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दो यादृच्छिक चर हों जिनमें से एक दूसरे यादृच्छिक चर पर प्रतिबंध का काम कर रहा हो। तो इन संदर्भों में हम सप्रतिबंध प्रत्याशा की बात करते हैं। अब हम यह देखते हैं कि यदि हमारे पास एक यादृच्छिक चर x है एवं एक प्रतिबंध m है, तब m की उपस्थिति में हमें x के फलन gx का मध्यमान अथवा प्रत्याशित मान ज्ञात करना है। हमें इसका मध्यमान अथवा प्रत्याशित मान ज्ञात करना है। यह सरल है कि हम देख सकते हैं कि प्रत्याशा m बराबर है माइनस अनंत से अनंत जी एक्स एक्स उपस्थित m। यह हम दो यादृच्छिक चरों एक्स वाई के संदर्भ में उपस्थित m अनंत से अनंत x y उपस्थित m dx dy यह कर सकते हैं। इस प्रकार हम दो यादृच्छिक चरों x y के संदर्भ में उनके फलन g x y का प्रत्याशित मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रकार हम x बराबर x पर, यह ध्यान रखना है कि x बराबर x की प्रत्याशा अन्यथा शून्य है, x बराबर x के लिए y का प्रत्याशित मान ज्ञात प्रत्याशा y x बराबर है y उपस्थित x dy एवं प्रत्याशा g y उपस्थित x बराबर है माइनस अनंत से अनंत g y FYY उपस्थित x dy। किसी भी निर्दिष्ट x के लिए हम प्रत्याशित मान y उपस्थित x को x के फलन के रूप में एवं यह सभी x के लिए ज्ञात किया जा सकता है। यह सभी x के लिए ज्ञात किया जा सकता है। ज्यामितीय रूप से हम यदि हम देखें तब यह एक्स वाई तल है एवं यह इस पट्टी यह माइनस अनंत से अनंत एक्स
वाई, यह इस पट्टी पर एफ एक्स वाई एक्स वाई का समाकलन है, अथवा यह इस पट्टी पर वाई द्वारा धारण किए गए सभी मानों का द्रव्यमान केंद्र है, जैसा कि हमने एक यादृच्छिक चर के संदर्भ में पहले बताया था। यदि हम इसे फाई एक्स बराबर प्रत्याशा वाई उपस्थित एक्स, यह हम जैसा हमने कहा था यह एक्स का फलन है, एवं यह द्विआयामी तल पर प्रतिगमन रेखा अथवा रिग्रेशन लाइन यह द्विआयामी तल पर प्रतिगमन रेखा अथवा रिग्रेशन लाइन कहलाता है। हम यह देखना हमारे लिए सरल है कि यह भी यह मुख्य रूप से वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में ही परिभाषित होगा, एवं यह एक यादृच्छिक एक्स के लिए एक यादृच्छिक चर ही होगा, अर्थात वाई उपस्थित एक्स असल में एक यादृच्छिक चर ही है। यह समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर हमने प्रत्याशित मान ज्ञात करते हुए, जब हम प्रत्याशित मान ज्ञात करते हैं तो प्रत्याशित मान साधारणतः निर्धारणात्मक संख्याएं होती हैं, क्योंकि हमने सभी संभव मानों पर उनकी प्रत्याशा ज्ञात कर ली है अथवा सभी संभव मानों का भारित औसत ले लिया है, इसलिए वह एक प्रकार से एक निर्धारणात्मक संख्या ही है। किंतु जब हम एक यादृच्छिक चर एक्स को प्रतिबंध के रूप में प्रयोग करेंगे तब हमने केवल और केवल y की यादृच्छिकता पर ही औसत किया है, x की यादृच्छिकता पर औसत नहीं किया है, इसीलिए फाई एक्स एक यादृच्छिक चर है जिसका मान अलग अलग x के लिए अलग अलग होगा, जिसका प्रायिकता घनत्व फलन परिभाषित किया जा सकता है, जिसका एक मान फाई एक्स है। अब इससे पूर्व कि हम इसकी अधिक चर्चा करें, हमें एक नियम देखना आवश्यक है, गाल्टन का नियम। यदि x एवं y एक समान मान एवं प्रसरण वाले गाउसियन यादृच्छिक चर हैं एवं उनका सहसंबंध गुणक धनात्मक है, अर्थात उनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है अगर मैं इसे अंग्रेजी में बोलूं तो, एवं उनका सहसंबंध गुणक धनात्मक है, तब गाल्टन का नियम यह कहता है कि फाई एक्स बराबर है प्रत्याशित मान बराबर होगा एक्स से अधिक यदि एक्स म्यू से कम है एवं एक्स से कम यदि एक्स म्यू से अधिक है, जहां म्यू एक्स एवं वाई का यह गाउसियन यादृच्छिक चरों के लिए सत्य है एवं कुछ अन्य स्थितियों में भी सत्य है, किंतु साधारण रूप से यह सत्य नहीं पाया जाता, इसलिए हम इसे केवल गाउसियन यादृच्छिक चरों के संदर्भ में ही परिभाषित करते हैं। अब किसी भी फलन जी एक्स वाई का प्रत्याशित मान हम एक्स बराबर एक्स पर ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी फलन जी एक्स वाई का प्रत्याशित मान हम एक्स बराबर एक्स पर ज्ञात कर सकते हैं एवं प्रत्याशित मान एक्स वाई उपस्थित एक्स
बराबर है प्रत्याशित मान जी एक्स वाई उपस्थित एक्स। यह ध्यान देना आवश्यक है कि एक समान मान धारण करने पर भी जी एक्स वाई बराबर एक्स एवं जी एक्स वाई एक समान नहीं है। इन दोनों के द्वारा धारण किया गया मान एक समान है, किंतु यह दोनों एक समान नहीं है। यह एक यादृच्छिक चर है जिसे हम एक्स बराबर एक्स पर जिसकी गणना कर रहे हैं, यह एवं वाई बराबर वाई, यह एक यादृच्छिक चर है जिसे हम एक्स एवं वाई पर जिसका मान निर्धारित कर रहे हैं, एवं यह एक निर्धारणात्मक फलन है। अंततः हम देख सकते हैं क्योंकि फाई एक्स एक यादृच्छिक चर है, प्रत्याशित मान फाई एक्स एफ एक्स एक्स डी एक्स बराबर है y उपस्थित x fxx dx बराबर है fy उपस्थित x dy fxx dx बराबर है प्रत्याशित मान y। अर्थात y की प्रतिगमन रेखा x के संदर्भ में का मान y के मध्यमान के बराबर है। इसी के साथ हमारी दो यादृच्छिक चरों की चर्चा समाप्त होती है। अब तक हमने एक यादृच्छिक चर को देखा है कि किस प्रकार एक यादृच्छिक चर प्रतिदर्श समष्टि से वास्तविक रेखाओं पर एक संख्या थी। इसी प्रकार हमने यह देखा कि हम दो यादृच्छिक चरों को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, एवं दो यादृच्छिक चर किस प्रकार द्विआयामी तल पर हमारी प्रतिदर्श समष्टि का फलन हो सकते हैं। अब जो चर्चा हम दो यादृच्छिक चरों के लिए कर सकते हैं, अथवा जिस प्रकार हम दो यादृच्छिक चरों को यह कहकर परिभाषित कर सकते हैं कि यह प्रतिदर्श समष्टि से द्विआयामी तल पर एक फलन है, उसी प्रकार हम इसी चर्चा को अनेक यादृच्छिक चरों के लिए भी आगे बढ़ा सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार हमने दो यादृच्छिक चरों का द्वय एक्स वाई परिभाषित किया था, हमने दो यादृच्छिक चरों का द्वय एक्स वाई परिभाषित किया था कि यह एक द्वय है एक्स वाई एवं यह इसमें दो यादृच्छिक चर हैं, यह एक ही प्रतिदर्श समष्टि से जनित है। इसी प्रकार हम यादृच्छिक चरों का त्रय भी परिभाषित कर सकते हैं, चतुर्वय भी परिभाषित कर सकते हैं, कितनी भी संख्याओं को ले सकते हैं। यही अवधारणा हमें यादृच्छिक सादिशों की ओर ले जाती है। यादृच्छिक सादिश अर्थात प्रतिदर्श समष्टि से एनायामी समष्टि में, प्रतिदर्श समष्टि से एनायामी वास्तविक संख्याओं की समष्टि में एक फलन, एवं इसके अवयव होंगे एक्स एन एनायामी सादिश। अगले व्याख्यान से हम एनायामी सादिशों की चर्चा आरंभ करेंगे। धन्यवाद।